मैडम सर, मैडम सर, जय जय मैडम, जय। क्या हुआ, कैसी रही आपकी मीटिंग प्रिंसिपल के साथ? वर्मा जी का नौकरी का कुछ हुआ? नहीं कुछ, बहुत ज्यादा बात नहीं बनी। ओके ओके, डोंट टेक अटेंशन। मैडम सर है तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है मैडम सर इज अ गट्टी। क्या? गट्टी, गट्टी मींस जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने का गट्स रखते हैं, उनको गट्टी कहते हैं। ये कैसी इंग्लिश हुई बिल्लू जी? इट्स माय इंग्लिश। What I know, I confident about you, Madam Sir. आप वर्मा जी की नौकरी वापस दिला के रहेंगे। You are a sort-headed, you are a confident, and you are a coolest. So I offer you cold coffee अपने पैसे से। Cold coffee? Yeah, yeah. हमारे लिए क्यों? सबके लिए मंगाइए। बहुत गर्मी है वैसे भी। हाँ हाँ मैडम सर, बिल्ले ला हमारे लिए भी। Cold coffee सबके लिए। ला ला बिल्ले ला। आवाज। Yeah. सबसे कूल कौन प्रतियोगिता मैडम सर? करिश्मा मैडम। वाओ, संत जी आप मैडम सर को उनके कूलनेस के लिए का नंबर दीजिएगा। अरे यार आंख मार, आंख आंख नहीं मारा, नंबर दिखा। अभी निठल्ली आंख नहीं मार रही, चार नंबर दिए, उंगली की तरफ देख, सिर्फ चार नंबर। ऐसा करेंगे तो मैडम सर को रोज सबको कोल्ड कॉफी पिलानी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो मैडम सर के अकाउंट में खुद नींबू पानी पीने के पैसे नहीं बचेंगे। लो। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा वाव करने के बाद भी चिड़िया के चुगे से सिर्फ चार नंबर? अरे कम से कम सात तो दो। हाँ हाँ, मैं मैडम सर के साथ हूँ। हम संतु जी के साथ है, हमारा चार नंबर तो कुल मिलाकर मैडम सर को हुआ है 15 नंबर। 15 नंबर लिखो, 15 लिखो मैडम सर, 15। 15 हमारी तरफ से 5-star होटल में रात का डिनर मुफ्त। निठल्ली नंबर दे दो 5-star होटल का खाना। हमारी तरफ से तो 5 और संतोष जी तुम्हारे साथ है तो 5-5-10। आपका कितना नंबर? ऐसे क्यों कर रहा था? देखो बाहर का खाना तो हमें हजम नहीं होता, तो इसलिए करिश्मा जी को हम देते हैं। रात का खाना हम ही बनाते हैं पुष्पा जी, ध्यान रखिएगा। 4 और 10 जाओ। वाओ ग्रेट। क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ये खुशी की चीख है। मैडम कुछ कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में। मैडम मेरे पति को बचाइए। क्या हो गया? अरे वो लगातार नाचे जा रहे हैं, 2 बार बेहोश हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर इसी तरह से नॉन स्टॉप नाचते रहे तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उनकी जान खतरे में मैडम, प्लीज चलिए ना, मेहरबानी करके। हाँ, हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। संतोष शर्मा चेक करो जग में पानी है कि नहीं, आधे घंटे पहले ही भरा था। ओ, ये मासूमियत। तो जाइए लेकर आइए, जग से डायरेक्ट नहीं ग्लास में पानी लाकर इनको देती हूँ। मर्द बेहोश हो गए इनके नाचते नाचते। मैडम मैडम मेरे पति की जान खतरे में, आप चलिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, आप चलिए मैडम प्लीज चलिए ना। हाँ ठीक है, एक मिनट करिश्मा सिंह प्लीज, वर्मा जी की मदद करना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। वो किसी की बात सुन नहीं रहे, लेकिन एक काम कीजिए, आप जाइए, आप देखिए सिचुएशन हैंडल होती है क्या, कीजिए कुछ। ओके हाँ जी मैडम। अच्छी तो चलो मैडम, चलिए 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 चलो। हाँ हाँ मैडम, हम पानी पीजिए। डॉक्टर क्या हुआ इनको? तीसरी बार बेहोश हुए हैं, यदि इन्होंने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो अगली बार इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, जान भी जा सकती है। ठीक है आप? अरे यार रे रे, अरे अब फिर से शुरू मत हो जाइए, रुकिए ना। मैं हाँ रुक भैया, बस बस, अरे रुकिए, थम जाओ गुरु। अरे एक मिनट, ए चाचा है कौन से नेवला से कटवाए कि आप मानिएगा, कहाँ दूध पिलाए क्या, बस बस, अरे भाग भाग मैडम, हमसे नहीं हो रहा है, इसको संभालिए। मैडम भगवान के लिए कुछ कीजिए, मर जाएंगे वो। मैडम आप उनको पानी पिला दीजिए। नहीं एक मिनट, आपके पास नीम का दवाई है? हाँ निकालिए निकालिए, एक
एक मिनट, ये खोलिए खोलिए। को पानी पिला दीजिए। सुनिए, आप ना पानी पी लीजिए। देखिए तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, मेरी कसम, पानी पीजिए। बस रे प्रभु देवा का गमछा, रुक जाओ ना, बैठा दो, बैठा दो, रुक जाओ, इस पर बैठिए बैठिए, उठिए 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 उठिए, बैठिए बैठिए। क्या 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 लिखा है संतू? अरे बताओ तो सही, क्या है? हाँ, लीव एप्लीकेशन। ये क्या है? ये भी तुम्हें देखो। ओहो, लीव एप्लीकेशन। ऐसे पुष्पा जी आप तो कहाँ ही जाएंगी हैं? अरे लल्ला की पप्पा। नहीं पुष्पा जी, इतने जल्दी मैं आपको उनके पास नहीं जाने दूंगी। भाग, वहां कौन जा रहा है इतनी जल्दी? हमें लल्ला के पप्पा की बहुत याद आ रही है। उनकी तब कही हुई बात आज हमारे कितने काम आ रही है पता है तुमको? नहीं। उन्होंने वही बता रहे हैं ना, उन्होंने कहा था कीमत मौके की नहीं होती, मौके का फायदा उठाने वाले की होती है। बस मौके का फायदा उठाने जा रहे हैं हम। मतलब? मतलब ये कि हमारी जो डंकिनी बहू है ना, उस पर आजकल वो सुपर कूल होने का भूत सवार है ना, वही करने जा रहे। मौके का फायदा ऐसे उठाएंगे हम, अपना 5 दिन का लीव सैंक्शन करवाएंगे हम, फिर जाएंगे हम गोवा घूमने। अच्छा मैं क्या कह रही थी ना पुष्पी कि ना इस बार की जो लीव है ना, आप रहने दो, इस बार की लीव मैं डालती हूँ, मुझे लेने दीजिए छुट्टी। क्या मेरी यही उम्र है ना घूमने फिरने की? अरे घूमने फिरने का उम्र से क्या लेना देना, छुट्टी तो हम ही लेंगे। नहीं, छुट्टी मैं लूंगी पुष्पा जी। नहीं, कहा ना हमने हम छुट्टी लेंगे। ठीक कर रही हूँ, मुझे लेनी तो ना छुट्टी पुष्पा जी, आप हमेशा लेते हो। तू हमसे झगड़ा मत कर, बात मत कर। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, बिहेव योरसेल्फ। पुष्पा जी जी, वो जो हमने आपसे पूछा था दूसरे प्रोफेसर के बारे में, उनमें से कोई इनके सपोर्ट में आएगा क्या, उसका क्या हुआ? जी मैडम सर, हमने सबसे बात की मगर कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आना चाहता। अच्छा अच्छा ठीक है। संतोष शर्मा, हमने आपसे ये पता लगाने के लिए कहा था कि वो वर्मा जी की वीडियो क्लिप जानबूझकर तो वायरल नहीं की गई है, उसके बारे में क्या हुआ? मैडम से मैंने पता लगाया लेकिन ऐसा नहीं लगा कि जानबूझकर किसी ने किया है। इनफैक्ट वो वीडियो तो बहुत ही नॉर्मली वायरल हो गया ऐसे। ठीक है मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, ये हमारा क्या है, ये लीव एप्लीकेशन। मैडम सर मेरा, हमें छुट्टी चाहिए, हमें, मुझे छुट्टी चाहिए मैडम सर। कोई कहीं नहीं जाएगा, लीव एप्लीकेशन रिजेक्टेड। आप सबको यहां रहना और इस केस को सॉल्व करना है। एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, प्लीज आप वर्मा सर को वापस उनकी नौकरी दिलवा दो। हम सब चाहते हैं कि वर्मा सर फिर से कॉलेज ज्वाइन करें। सब जानते हैं और मानते भी हैं कि वर्मा सर की गलती नहीं है, फिर भी इन्हें अननेसेसरीली परेशान किया जा रहा है। ही इज इनोसेंट। अगर वर्मा सर ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो मजबूरन मुझे भी कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। प्लीज हेल्प कीजिए, वर्मा सर की हेल्प करके आप हम सब की हेल्प करेंगी। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती बट प्लीज डू समथिंग। कहाँ से आई? ए रुको रुको, ए रुको, लड़की लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? संतोष जी, संतोष जी, कहाँ ये कहाँ? अरे वो लड़की पीछे जो मैडम से भाग रही है ना, उसके ऊपर 5,000 का ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, अगर पकड़ लोगे तो मिल जाएंगे 5,000। भागो,
भाई देख क्या रहा है, इस ऑफर बार बार नहीं आता है, जल्दी से कुछ कर। चल रुक रुक अबे। रुक जाओ, रुको। अरे अरे चल, कहाँ चली गई? आइए पुष्पा जी। इधर है। अरे ब्रेक से लग रहा है, अरे ब्रेक से लग रहा है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई ये लड़की? आसमान खा गया कि जमीन निकल गई उसको? अरे मैडम लड़की। अरे वही पुष्पा जी, चलिए। गोली क्या मार देंगे? खुद तो गई ना। रुको रुको, धीरे धीरे पलटो और अपना चेहरा दिखाओ। चलो जल्दी मास्क हटाओ। कोई नहीं, 5000 लेके रहेंगे। 5000? अरे पुष्पा जी ब्रेक, अरे ब्रेक, अरे पुष्पा जी। कुछ काम ढंग से नहीं करता दुकान। क्या पागल हो क्या तुम दोनों? अरे ये कहाँ चली गई? तुम लोगों की वजह से नालायक हो। अरे पुष्पा जी हम तो मदद करने आए थे आपकी। एक काम बोला था तुम लोगों को, वो भी ठीक से नहीं होता, एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। अब जाओ यहाँ से। उधर ही गई है, उधर गई, आ जाओ। इधर ही गई होगी। अब क्या करेंगे मैडम सर? पता नहीं पुष्पा जी, जो भी लड़की है ये साफ साफ है कि सामने नहीं आना चाहती, कुछ तो छुपा रही है। ये बात तो है। हाँ वैसे भी अगर चेहरा दिखाना ही होता तो फिर भागती क्यों? हाँ लेकिन इसको हमारी मदद चाहिए, ये कुछ तो है जो हमें बताना चाहती है, बस सामने आने से डर रही है। पता लगाना होगा। दिखाई नहीं पत्थर? कितना सुंदर पत्थर है, देखिए ना, इतना एकदम तराशा हुआ। आप उसको पकड़ने के बाद ना आप हमें दे दीजिएगा, हम हमारे टेबल पे रखेंगे इसे पेपर वेट की तरह। दिखाइए सर। हम राहुल वर्मा को किसी भी हाल में अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे, एंड दिस इज फाइनल। प्रिंसिपल जी। अरे आप लोग फिर आ गए? देखिए मुझे जो कुछ कहना था मैं पहले ही कह चुका हूँ, और वैसे भी मेरे पास आप लोगों के लिए कोई समय नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। हो सकता है आप लोगों के पास कोई काम धंधा ना हो, तभी इस केस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है। समझ में आ गया? नमस्कार। इसकी मैया की सासू मैया। एक सेकंड। क्या कहा इसने? ये अपनी मैया को बहुत अक्सर याद करती है इसलिए उनका नाम बड़बड़ाती है। बहरहाल आप हमारी बात सुनिए, हम यहाँ आपसे मिलने आए, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम था मुझसे? ये बहुत ही कमाल का, ये जो कैरन आर्ट इसे कहते हैं ना, हम ये जानना चाहते थे कि आपने कहाँ से लिया, ये कौन है इसका डिजाइनर, ये आपको कहाँ मिला? क्यों जानना है आपको? क्या है कि पिछली बार जब हम आए थे ना तब हमें बहुत अच्छा लगा था, और हम सोच रहे हैं कि किसी रिलेटिव को ये गिफ्ट कर दें, बस इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ अगर ये कोई नेशनल सीक्रेट है तो रहने दीजिए। नहीं, 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 ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, दरअसल ये हमने खुद बनाया है। देखिए बस बचपन से शौक था हमें वो गिट्टी खेलने का, बस उसी गिट्टी को हमने एक नया रूप दे दिया, बस उसी का नाम है ये कैरन, कैरन आर्ट। इसे बनाना इट जस्ट लाइक मेडिटेशन फॉर मी, यू नो, वो आध्यात्मिक अनुभव बस। लेकिन बहुत अजीब है। अजीब? क्या अजीब है? हाँ बता रहे हैं हम, अजीब इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब 7 पत्थर थे, इस बार तो लेकिन सिर्फ 6 पत्थर है। गुड ऑब्जर्वेशन। अरे तब से वही तो खोज रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है, और मेरी बेटी करुणा आई थी उसने वो हाथ लगा दिया और ये सारे के सारे मेरे जो स्टोन्स है वो गिर गए, अब वो तब से मिल ही नहीं रहा है, वो उसी को ही ढूंढ रहा हूँ मैं असल में, वो मिल नहीं रहा। तो उसमें कौन सा बड़ा बात है? आप कोई भी पत्थर लगा दीजिए, थोड़ी ना किसी बादशाह के ताज का मोती है कि वो ही लगाना पड़ेगा, कोई भी लगा दीजिए। देखिए ये बहुत ही महंगे और सिलेक्टिव स्टोन्स हैं। सड़क पर पड़ा हुआ कोई भी पत्थर इसकी जगह नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि आपके और आपकी बेटी करुणा ना, उसके अलावा कोई और आया था केबिन में? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा ठीक है,
कहीं ये वो सातवां पत्थर तो नहीं? अरे वाह, या यही तो है वो। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूं, मुझे मिला नहीं और तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गया। मेरा कैरेन हार्ट। नाम का बताया? कैरेन हार्ट। बेटी का? करुणा। करुणा, आपकी बेटी करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? हाँ हाँ, करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है और बीए की छात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। थैंक यू जी। करुणा आचार्य, वो थाने में जो खत वाला पत्थर फेंका था वो तुम्हारा ही काम था ना? आई एम सॉरी मैम, बट सिर्फ इसकी वजह से कि वो पत्थर मेरे पापा के केबिन से मिला, ये प्रूव तो नहीं होता ना कि वो पत्थर मैंने यानी कि उनकी बेटी ने यूज किया था। देखो करुणा, बेहतर यही होगा अगर तुम झूठ ना बोलो तो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे पापा के केबिन का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने पत्थर अपने बैग में डाला और वहां से चली गई। मैम आप झूठ बोल रही हैं। पहली बात कि मेरे पापा की कैबिन में कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, और दूसरी बात वो पत्थर मैंने बैग में रखा ही नहीं था क्योंकि मेरे पास बैग। तो कहाँ रखा था? करुणा वैसे भी हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था तुम्हारे कपड़ों से कि तुम ही हो जिसने थाने में खत छोड़ा है। हम सिर्फ तुमसे कन्फेस कराना चाहते थे। देखो करुणा, क्या है, हम तुम्हें यहाँ जानबूझकर फंसाने नहीं आए। हम दरअसल बस प्रोफेसर राहुल की मदद करना चाहते हैं और तुम्हारे खत से लगता है कि तुम भी उनकी मदद करना चाहती हो, तो हमारी मदद करो ताकि हम उस इंसान को उसका हक दिलवा सकें। आप आइए। चल। हाँ ये सच है कि पत्थर पर लेटर मैंने ही फेंका था आपके थाने में। मैम राहुल सर हम सब स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं। वो सिर्फ स्टडी को नहीं बल्कि म्यूजिक डांस सब आर्ट को खुलकर सपोर्ट करते हैं, पर पापा को ये सब चीज़ें फिजूल की लगती हैं। उनको लगता है कि इससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है और वो स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते और डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। का पाषाण युग के प्राणी है तुम्हारे पिताजी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, वो कहाँ लगे हुए हैं। जो कला है उनको फालतू लग रही है ना, लोग आजकल उसके बूते पे पैसा कमा रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं। हाँ पढ़ाई वो औजार है जो आपकी प्रतिभा को निहारता है, निखारता है, संवारता है, पर जैसे बिना पढ़ाई के टैलेंट जो है ना वो दिशाहीन है, वैसे ही पढ़ाई प्रतिभा के बिना भी व्यर्थ है। मतलब दोनों का तालमेल जो है ना वो इंसान को कामयाब बनाता है। उनको बोलो कि जो उनकी जंग लगी जो पुरानी सोच है उससे वो बाहर निकले। मैम आप जितना सोच रहे उतना आसान है ही नहीं है। आपको पता है सारे स्टूडेंट मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मेरे पापा ने उनके फेवरेट टीचर को बाहर निकाल दिया कॉलेज से। इतने फेवरेट हैं ही सारे स्टूडेंट्स के, तो फिर सारे स्टूडेंट्स उनके खिलाफ झूठ क्यों कह रहे हैं, उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सब लोग डर रहे हैं पापा से। सब लोग जानते कि अगर पापा को पता चल गया कि किसी ने भी राहुल सर की साइड ली है तो पापा उनसे पर्सनल दुश्मनी मोड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का छोड़ो, तुम क्या कहती हो, क्या तुम उन्हें हक दिलाने में हमारी मदद करना चाहोगी? सॉरी मैम, मैं अपने पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए कम से कम एक बात तो साफ हो गई कि इस प्रिंसिपल ने प्रोफेसर राहुल को किसी नागिन डांस की वजह से नहीं अपनी पर्सनल नफरत की वजह से निकाला है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आइडियोलॉजी की है, सोच की है। हमें इलाज इस बीमारी का करना होगा। सोच बदलेगी ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। पर इलाज होने तक कहीं प्रोफेसर साहब जो है वो दुनिया से ना निकल जाए, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। कुछ पता चला लड़की के बारे में? कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप हंस क्यों रही हैं? नहीं वो अंकों में इतना अंतर देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाए। जी हाँ, बदला ले रहे हैं हमसे। हमने इनकी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो उसका गुस्सा ये स्कोर पर निकाल रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन? हमारा खुश। वो क्या है ना मैडम कि स्कोर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना,
अगर किसी ने हमारा लीव एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर दिया होता तो स्कोर ऐसे नीचे नहीं जाता, पर क्योंकि रिजेक्ट हो गया है तो अब किसी का स्कोर नीचे चला गया है। अच्छा, तो अब आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं, बेईमानी पर उतर आए आप सब। हाँ, एवरीथिंग इज अ फेयर इन लव इन वॉर। फेयर, फेयर लव इन वॉर। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो खाली सिलेंडर। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, वर्मा जी की वाइफ का कॉल आया है, वो फिर से उन्होंने जो है बाहर जाके सड़क पर डांस करना शुरू कर दिया है। मैडम सर, वो दिन दूर नहीं है जब ये चकमा दे देंगे हॉस्पिटल को भी, और पता नहीं लखनऊ की कौन सी सड़क पर जाके कैसा डांस करेंगे। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये टंटा कैसे सुलझाए आप। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल का इलाज करना होगा। संतोष शर्मा जी। मैडम सर। ओके, इस आचार्य के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, उनका बचपन, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनके दुश्मन, उनके दोस्त, उनकी जिंदगी से रिलेटेड सुख दुख जो भी है, सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन में हमें मिलेगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि इंसान किसी के भी सामने फेक कर सकता है, लेकिन अपने दोस्तों के सामने नहीं। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन निकालिए, तब तक हम वर्मा जी को संभालते हैं, वरना पता नहीं क्या हो जाए। गेट टू वर्क। इससे पहले कि प्रोफेसर राहुल अपना नुकसान कर बैठे, हमें प्रिंसिपल आचार्य को उनकी गलती का एहसास कराना होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।